रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 12वें रोज भी फाल ना हो सकी। डॉक्टर्स आउटडोर मुजाहरे करते तो नजर आए, मगर मरीजों का चेकअप कोई नहीं कर रहा। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। ओपीडीज की सीढ़ियों में बैठे नारे लगाते ये हैं यंग डॉक्टर्स, जो अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान और साहिवाल में डॉक्टरों को हथकड़ी लगाने के खिलाफ 12 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। हम अपने मुतालबात मनवाने तक बैठे हुए हैं, ओपीडीज नहीं खुलेंगी पूरे पाकिस्तान की, ये इनकी सोच है, ये हमसे काम करवा लेंगे। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने जाली दवाइयाँ पास की हैं जिसमें से कमीशन खाया है, जो हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग है उसका ऑडिट करवाएं, जाली मेडिसिन का ऑडिट करवाएं, जो बच्चे उनकी वजह से मरे हैं उस बात पे इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में ओपीडीज का पर्ची काउंटर तो खुला है, मगर ताले लगे कमरों के बाहर मरीज डॉक्टरों के अभी भी मुंतजर हैं। बहुत परेशान है, हम तो 2-3 दिन हो गए पता करते आ रहे, कहते नहीं डॉक्टर बैठे हैं। 8 बजे से पर्ची भरना स्टार्ट हुई है लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आए, रूम बंद है, कब से वेट कर रहे हैं, कोई पता नहीं कि आएंगे भी या नहीं। गर्मी बहुत ज्यादा है, जलील हो रहे हैं इधर, और काउंटर पे पर्ची बन रही है, बस ऐसे ही जलील होकर चले जाते हैं। महकमा सेहत और हस्पताल इंतजामिया सीनियर डॉक्टर्स को ओपीडीज में बुलाने में भी नाकाम हो गई, जिसके बायस मरीज खवार होकर रह गए हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीज तो अभी भी इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। कैमरामैन जायद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर।